नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे और नफरत न पैदा करने की सलाह दी। साथ ही पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को भी आड़े हाथ लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने लालू यादव का बचाव करते हुए ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर केंद्र सरकार को घेरा। क्या कुछ है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष के बोल, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में दंगों और इफ्तार पार्टी पर खूब राजनीति हो रही है। हर तरफ वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। जहां रामनवमी पर बिहार के कई राज्य दंगों की आग में झुलसे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी दंगों की आज की चपेट में आई। दंगों का हवाला देकर ही बीजेपी जेडीयू को घेर रही है। इसी बीच पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने इतना तक कह दिया कि अमित शाह जी, ये बिहार है, इसको मत लटकाइए, नहीं तो लटक जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, हमेशा नफरत मत पैदा कीजिए और नफरत न पैदा करने की सलाह दी। इस मौके पर उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या राम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप का है। वहीं इस दौरान पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का बचाव करते हुए ईडी और सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी को आरएसएस की एजेंसी मत बनाइए की सलाह दी। साथ ही पप्पू यादव ने कर्नाटक चुनाव की चुनौती देते हुए कहा कि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, टोटल ईडी और सीबीआई को लगाकर भी जीत कर दिखा दीजिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करवाते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव गलत होंगे तो कोर्ट को तय करने दीजिए, आप 9 साल के बाद बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं। पप्पू यादव के बयानों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि पप्पू यादव भी महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं, जो महागठबंधन और पप्पू यादव दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में दंगों और इफ्तार पार्टी पर खूब राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर दंगों का हवाला देकर ही बीजेपी जेडीयू को घेर रही है। इसी बीच पप्पू यादव का यह बयान आया है जो बीजेपी को जमकर घेर रहा है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव भी महागठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। इससे महागठबंधन खुद तो मजबूत होगा ही और पप्पू यादव को भी इसका साथ मिलेगा, जो उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। ऐसी ही बिहार से जुड़ी ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।